आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि मौत आने से पहले एक व्यक्ति अलग प्रकार से व्यवहार करने लगता है और मौत जैसे जैसे समीप आती है तो व्यक्ति थोड़ा सा अलग सा व्यवहार करने लग जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मौत से पहले और मौत के बाद व्यक्ति के साथ क्या बदलाव होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिसर्च पर आधारित है। शारीरिक और मानसिक तौर पर उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि इस दुनिया में जो पैदा होता है उसकी मौत निश्चित है। अब बात करते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक आती है तो उस व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई भी अपनी राय नहीं दे सकता, क्योंकि इस बारे में सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है जिसने मौत का अनुभव किया हो। बता दें कि इस बात को समझाते हुए एक एक्सपर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि मरने से ठीक पहले क्या क्या होता है और व्यक्ति कैसा महसूस करता है। द एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक डॉक्टर ने अपनी लाइफ में काफी लोगों को मरते हुए देखा है। साथ ही उन्होंने बताया कि मरने से ठीक पहले व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु से पहले क्या महसूस होता है, इस विषय पर चर्चा करते हुए एक डॉक्टर ने कहा कि मरने की प्रक्रिया नॉर्मली दिल की धड़कन रुकने से लगभग 2 सप्ताह पहले शुरू हो जाती है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी में मानद रिसर्च फेलो सीमन कोयल ने द कन्वर्सेशन के लिखे एक आर्टिकल में बताया कि मौत की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मौत की प्रक्रिया व्यक्ति की मौत के 2 सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है। 2 सप्ताह के भीतर ही व्यक्ति की सेहत गिरने लगती है, उसे चलने और सोने में भी परेशानी होना शुरू हो जाता है। जिंदगी के आखिरी दिनों में व्यक्ति की दवाई खाने, भोजन करने और पानी पीने की क्षमता तक खत्म हो जाती है। यही नहीं, कुछ रिसर्च के मुताबिक मौत के वक्त दिमाग से काफी सारे केमिकल्स निकलते हैं। उन्हीं केमिकल्स में से एक है एंडोर्फिन। ये केमिकल व्यक्ति की भावनाओं को संदिग्ध करता है। सीमन कोयल ने बताया कि मौत के पलों को समझना मुश्किल तो है, लेकिन अभी तक हुई रिसर्च के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति मौत के करीब आता है वैसे वैसे उसकी बॉडी में स्ट्रेस केमिकल बढ़ते जाते हैं। कैंसर वाले व्यक्ति की बॉडी में भी सूजन आने लगती है। मौत की प्रक्रिया के वक्त व्यक्ति का दर्द कम हो जाता है। ये बताना मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन शायद ऐसा एंडोर्फिन केमिकल के कारण हो सकता है। आमतौर पर हर इंसान की मृत्यु अलग अलग तरीके से होती है। ऐसे में ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसकी मौत होगी। कई कम उम्र के लोगों को भी देखा गया है जिन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे मर रहे हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि रिसर्च से मौत का अनुमान लगाना और उस समय होने वाली प्रक्रियाओं का अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन एक हद तक रिसर्च की जा सकती है। खैर, आपको इस समस्त जानकारी कैसी लगी अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।